The person obviously is always there, but at times you may might have seen the person, but still you are not aware of the names. So that is why when you register an FIR, you say that the FIR has been registered against unknown person. So, but OP Sharma was visible. Everybody knows who OP Sharma is. He's an MLA. Why is his name on in the FIR? And your police was present over there at that time, sir. Lawyer Vikram Singh is also. देखिए ऐसा है कि अगर आपने clippings भी देखी होंगी, जब जब ये वो प्रकरण हुआ है, जब वहाँ पर आपस में स्कफल हुई है, क्योंकि मिस्टर ओपी शर्मा ने भी बताया है कि उनको चोट लगी, उनका भी मेडिकल हुआ है, मैं आपकी जानकारी के लिए, हालांकि मेडिकल में कोई इस प्रकार की सीरियस इंजरी नहीं थी, पर क्योंकि ये एक इस प्रकार का इशू था जिसपे दो विचारधाराओं वाले व्यक्ति पटियाला हाउस कोर्ट में आए हुए थे, एक स्लाइटली इफ आई मे यूज द टर्म इट वॉज ए लिटिल सरचार्ज्ड एनवायरमेंट, उसके अंदर में दोनों तरफ से एलिगेशन लगाई गई हैं, तो काउंटर एलिगेशन लगाई गई हैं, तो इसलिए हमने जो है FIR दर्ज की है दोनों प्रकरण पे, दोनों एपिसोड्स पे।